बिहार में शराब तस्करी का नया जुगाड़, कैन में ठंडा के जगह अब मिलता है शराब। कंकड़बाग थाना का है पूरा मामला। खुद को भोजपुरी सिंगर बताने वाला करता है होम डिलीवरी। बिहार में शराब तस्कर हर रोज तस्करी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। एम्बुलेंस, टमाटर और एलपीजी सिलेंडरों के बाद अब कैन में छुपाकर शराब तस्करी का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो पटना के कंकड़बाग का बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार में नीतीश कुमार की शराब बंदी अब शराब माफियाओं के लिए बिजनेस बन गई है। न तो है प्रशासन का खौफ और न ही पकड़ाने का डर। बिहार में शराब बंदी है, यहाँ शराब पीना, पिलाना और शराब बेचना गैर कानूनी है। सरकार शराब बंदी को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, इसके बावजूद शराब तस्कर सक्रिय हैं। पटना के कंकड़बाग से एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह तस्कर शराब की पैकिंग कैन में चेक कर रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में जो तस्कर दिखाई दे रहा है, यह एक भोजपुरी सिंगर है। इसका नाम है गोविंदा ओझा। बीते कुछ महीने पहले एक वायरल गर्ल सिंगर हेमा पांडे के मामले में जेल भी जा चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी इसकी छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाई है। कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने एक खबर दिखाई, किस तरीके से कंटेनर और 14 चक्का ट्रक से बिहार में शराब की सप्लाई कराई जा रही है, मगर प्रशासन भी उसी तरह मुस्तैद है। जैसे ही कुछ भी सुराग मिलता है, प्रशासन शराब माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर देती है। आप सभी तो जानते ही हैं कि बिहार में शराब बंदी पूरी तरीके से लागू है, मगर बिहार से सटे हुए जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में एक देश नेपाल की सीमा भी लगती है, इन सभी जगहों पर शराब खुले तौर पर बिकती है। नेपाल में तो कहावत कही जाती है, सूर्य अस्त और नेपाल मस्त। शाम होते ही वहां के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। इन तीनों राज्यों और नेपाल में शराबबंदी नहीं होने की वजह से बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है। शराब माफिया भी इन्हीं जगहों से बिहार में शराब लाने का प्रयास करते हैं। प्रशासन भी हर बॉर्डरों पर सघन जांच कर शराब माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर देती है। उसके बावजूद भी कभी कभी शराब माफिया अजब गजब तरीके से बिहार में शराब लाने का प्रयास करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शराब माफियाओं को हर हाल में नेस्तनाबूद करना है, उनको छोड़ना नहीं है। आप इस वीडियो में पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक भोजपुरी सिंगर बताया जा रहा है शराब का कारोबार कैन में कर रहा है। इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पर वीडियो में किसकी तस्वीर है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, यह देखने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन को जैसे ही कहीं पता चलता है यह व्यक्ति बिहार में शराब ला रहा है या लाने का प्रयास कर रहा है, प्रशासन उसको धर दबोचती है।